देखिए आज हमने गेहूं के आटे के लड्डू बनाकर तैयार किया है। त्योहारों का मौसम है, कुछ न कुछ मीठा बनते ही रहता है। आज हमने गेहूं के आटे के लड्डू बनाए हैं। देखिए कितने अच्छे लड्डू बनकर तैयार हुए हैं, एकदम सुपर सॉफ्ट लड्डू बने हैं, ऐसे कि बस मुंह में जाते से घुल जाए। हमारे यहाँ पर इसे सत्तू के लड्डू कहा जाता है। खाने में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं और बनाना बहुत आसान है। हेलो दोस्तों, मैं लता पटेल स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल कुक विद लता पटेल में। आज मैं आपके साथ गेहूं के आटे के लड्डू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए बनाते हैं गेहूं के आटे के लड्डू। गेहूं के आटे के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में डालेंगे 2 चम्मच भर के शुद्ध देसी घी। घी को गर्म होने देते हैं। देखिए घी गर्म हो चुका है, पिघल चुका है, तो इसमें अब हम डालेंगे, ये हमने गेहूं का आटा लिया है 1 कटोरी। इसी कटोरी से हमें आटा और चीनी दोनों लेना है, कोई भी आप कटोरी सेट कर लीजिए। नॉर्मल आटा लिया है जिससे हम चपाती या रोटी बनाते हैं डेली में, वही वाला आटा लिया हमने। अब इसे लो फ्लेम पर हमें अच्छी तरह से भूनना है, जब तक कि आटे का कलर हल्का चेंज ना हो जाए, ये थोड़ा ब्राउन कलर का ना हो जाए तब तक भूनेंगे, जब तक कि अच्छे से खुशबू ना आने लगे इससे, तब तक हमें आटे को भूनना है। तो इस तरह से चलाते हुए लो फ्लेम पर भून लेते हैं। देखिए आटा थोड़ा भून चुका है, लगभग 4 से 5 मिनट हो चुके हैं आटे को भूनते हुए। तो अब हम इसमें 2 चम्मच घी और डालेंगे। हम एक ही बार में पूरा घी नहीं डालेंगे, 3 बार में थोड़ा थोड़ा करके घी डालना है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके घी डालने से लड्डू का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आप एक ही बार में सारा घी डाल देंगे और आटे को भूनेंगे तो लड्डू में उतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो देखिए 2 चम्मच घी और डाल लिया हमने। अब इसे इसी तरह से चलाते हुए भून लेते हैं, लगभग 2 से 3 मिनट और भूनना है हमें। तो इस तरह से चलाते हुए लो फ्लेम पर भून लेंगे। देखिए लगभग 7 से 8 मिनट हो चुके हैं आटे को इस तरह से भूनते हुए। देखिए आटे का थोड़ा कलर भी चेंज हो चुका है। तो अब हम इसमें 1 चम्मच घी और डालेंगे और भून लेंगे इसे इसी तरह से चलाते हुए। देखिए लगभग 12 से 15 मिनट हो चुके हैं हमें आटे को लो फ्लेम पर भूनते हुए। बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है इससे और कलर देखिए, आटे का कलर भी अच्छी तरह से चेंज हो चुका है, ब्राउन हो चुका है इसका कलर। आटा बहुत अच्छी तरह से भून चुका है, इसकी खुशबू से तो सारा घर महक रहा है, बहुत अच्छी खुशबू आती है इस तरह से आप आटा भूनिए। तो आटा भून कर तैयार हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे, ये हमने काजू और बादाम को दरदरा सा कर लिया था, इसे डाल लेते हैं। साथ में हम डालेंगे 1 चम्मच हमने इलायची पाउडर लिया है, बहुत अच्छी खुशबू आती है इससे लड्डुओं में, इसे डाल लेंगे। और अब दोनों ही चीज़ों को अच्छी तरह से आटे के साथ मिला लेते हैं, जो हमने आटा भून कर रखा है इसके साथ अच्छी तरह से मिला लेना है। और अब इसे ठंडा होने देना है, इस मिक्सर को हमें थोड़ा ठंडा होने देना है। जब ये हल्का गुनगुना रहेगा तब हम इसमें चीनी मिलाएंगे और आगे की प्रोसेस करेंगे। तो अब इसे इसी तरह से रख कर थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं। देखिए मिक्सर थोड़ा ठंडा हो चुका है, इस तरह से हाथों से छूने पर हम इसे छू पा रहे हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे चीनी, ये हमने चीनी लिया है, जिस कटोरी से हमने 1 कटोरी आटा लिया था उसी कटोरी से 1/4 कटोरी चीनी लिया है, पीसी हुई चीनी लिया हमने, इसे डाल लेते हैं। और अब इसे मिला लेना है, हाथों से अच्छी तरह से चीनी के साथ आटे को मिला लेते हैं। आप अपने हिसाब से चीनी की क्वांटिटी रख सकते हैं, जैसा भी आप मीठा खाते हैं कम या ज़्यादा, या फिर इसे इस तरह से मिलाने के बाद आप इसे एक बार चेक कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कुछ कम लग रहा है, अगर चीनी कम लग रही है तो आप इसमें बैलेंस कर सकते हैं। तो सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेते हैं, इस तरह से मसलते हुए मिलाएंगे ताकि अच्छी तरह से आटे में चीनी मिक्स हो जाए, आटे के कण कण में चीनी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इस तरह से मिलाना है, बिल्कुल ट्रेडिशनल रेसिपी शेयर कर रहे हैं हम आपके साथ, जैसे हमारे यहाँ पर गेहूं के आटे के लड्डू बनाए जाते हैं, हमारे यहाँ पर इसे सत्तू के लड्डू कहा जाता है, वही रेसिपी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो देखिए मिला लिया हमने अच्छी तरह से आटे और चीनी को, इस तरह से मिलाने के बाद आप इसे एक बार टेस्ट कर सकते हैं। तो अब इसके लड्डू बना लेते हैं, हाथों में थोड़ा घी लगा लेंगे ताकि ये चिपके नहीं, और यहाँ से मिक्सर लेके लड्डू बना लेना है, लड्डू का शेप दे देना है, बहुत आसानी से बन जाते हैं। आप इस तरह से गेहूं के आटे के लड्डू बनाइए, बिल्कुल परफेक्ट माप बताया हमने। अगर आप हमारी रेसिपी से लड्डू बनाएंगे तो पहली बार में ही बहुत अच्छे लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए बन गया लड्डू, कितना अच्छा लड्डू बनकर तैयार हुआ है, और बाकी के लड्डू भी इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेते हैं। देखिए कितना आसान है इन्हें बनाना, त्योहारों पर कुछ मीठा बनाना हो या ऐसे भी कुछ मीठा खाने का मन हो तो आप इन्हें झटपट से बनाकर तैयार कर सकते हैं। घर पर रखे कुछ ही सामान के साथ ही बनकर तैयार हो जाते हैं। तो ज़रूर ट्राई करिए सत्तू के लड्डू की इस रेसिपी को, गेहूं के आटे के लड्डू की इस रेसिपी को। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं नए रेसिपी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।